हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बन्ना रियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ सूरन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सूरन की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो का सूरन है, इसमें से मैं इसका हाफ सूरन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स कर लिया है। सूरन या जिमीकंद या ओल, इसको इतने नामों से जानते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। अब इसमें से 1 पार्ट्स को मैं नाइफ की सहायता से छीलूंगी, फिर धीरे धीरे इसको छील के इसको छोटे बड़े आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े साइज कट कर सकते हैं। इसको कट कर लिया है और फिर पानी से धो के साफ करके रख लिया है। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 प्लेट में सरसों 1 चम्मच और टीस्पून से जीरा 1 स्पून, लहसुन की कुछ कलियां, 2 लाल मिर्च और गोल मिर्च, इन सबको लेके ग्राइंडर में पीस लिया है। और पीसने के बाद इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर टीस्पून से 1-1 चम्मच डाल दिया है और फिर सबको मिला देते हैं। मसाले हमारे अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें सूरन के पीस को मैं डाल दूंगी। तो तेल गरम हो चुका है, मैंने कटे हुए सूरन के पीसेस को इसमें डाल दिए हैं। अब इसको धीरे धीरे भूनने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भुनेगा। सूरन हमारा भुन चला है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसको अभी और भुनेंगे। इसको भुनने में 15 मिनट लगता है। 15 मिनट में ये भून के तैयार हो जाएगा। इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे और धीरे धीरे भूनने देंगे इसको, जिससे ये अच्छे से भून जाए। ये इतना भून जाता है कि ये सूरन हमारा आधा पक जाता है। सूरन हमारा भून चुका है, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं धीरे धीरे। मैंने सारे सूरन को कढ़ाई से बाहर निकाल दिया और फिर इसी तेल वाली कढ़ाई में ही समय सब्जी बना लूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा तेल मस्टर्ड ऑयल और डालती हूँ और ये सब्जी हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे। इस तेल में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये सूरन हमारा भून के तैयार है, इसको बाहर निकाल लिया है मैंने। इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के कुमिन डाल दिया है, जीरा और कुछ दाने सरसों के, इन दोनों को चटकने देंगे।
देखिएगा ये सरसों के दाने अब चटक गए हैं, तो मैंने इसमें पीसे हुए मसालों को डाल दिया है। अब इसको कुछ देर भूनने देंगे। इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे जिससे मसाले हमारे जले नहीं। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, इसमें से तेल रिलीज हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें भुने हुए सुरन के पीसेस को हम डाल देंगे और फिर उसे 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनने देंगे। फाइव मिनट भूनने देंगे इसको। इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे जिससे हमारे मसाले और सुरन अच्छे से भुन जाएं। मसाले और सुरन अच्छे से भुन गए हैं, अब इनको हम चला देंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल देंगे। उसके बाद फिर इनको मिला देंगे। गाइज आप देख सकते हैं सुरन और मसाले अच्छे से भुन गए हैं, ये देखिए। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। अगर आपको ये रोटी के संग खाना है या राइस के संग खाना है, उसी हिसाब से आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब इसको कुछ मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे जिससे पानी में भी उबाल आ जाए और सूरन अच्छे से पक जाए। इसमें मैंने 5 मिनट्स के लिए ढक के छोड़ दिया। ये पहाड़ी सूरन है इसलिए ये उतना मुंह नहीं काटता है, तो इसके लिए मैंने आम का चार या लेमन का रस, दोनों में कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ आम के अचार के कुछ पीसेस ले रही हूँ, उसमें से गुठली बाहर निकाल के इसको सबको मैक्स कर लेती हूँ हाथ की सहायता से। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के और मिला लूँगी अच्छे से, जिससे ये पानी में अच्छे से मिल जाए, जिससे इसका टेस्ट और खट्टा खट्टा लगेगा खाने में आपको ये। गाइज अब हमारा ये बनके तैयार हो चला है, हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, सुरन भी पक गया है। चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए गाइज सुरन हमारा पक गया है। अब जो मैंने ये अचार का मटेरियल तैयार किया है इसको इसमें डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसको डाल के अचार के मटेरियल को मिला दिया जिससे सब्जी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये सब्जी बन के तैयार है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। इस सब्जी को आप रोटी के संग, राइस के संग, पराठे या पूरी के संग, किसी चीज के संग भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद सब्जी को मैंने सर्विसिंग बाउल में डाल दिया है। यह सब्जी सबको बहुत पसंद आती है, इसे बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। आप इस सब्जी का लुक देख सकते हैं, सब्जी देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी यम्मी बनी होगी आप सोच सकते हैं। अभी इस सब्जी को अपने घर में बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ,
तक के लिए बाय बाय गाइज।